अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। आज की वीडियो में हम डिमांड एंड सप्लाई जोन को डिस्कस करेंगे कि सीखेंगे कि किस तरह से करियर टेक करते हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेक्स में, प्राइस एक्शन में। इसी को आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें हमने ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रेटेजी को सीखना है, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई का बहुत ज़्यादा रोल है। इसलिए आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और इसको प्रॉपर पूरी वीडियो को आपने देखना है और समझना है कि किस तरह से हम डिमांड एंड सप्लाई जोन को क्रिएट करते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। बेसिकली जो हमारे डिमांड एंड सप्लाई जोन होते हैं वो बेसिकली हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होती हैं। उनकी जो हमारी एक्यूरेसी होती है उनको इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी 70-80% है, तो ये हमारी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर 90-95% तक ले जाते हैं। चलते हैं अपने, सबसे पहले हम अपनी सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को ड्रा करते हैं और उनमें सीखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें एक इस जगह पर हमें सपोर्ट नज़र आ रही है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार बना रही है। कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कुछ कैंडल नीचे क्लोजिंग दे रही है, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर जा रही है, उसके बाद अगर हम देखें तो इधर भी हमें सिक्स नीचे दे रही है, उसके बाद वापस गई है, और इधर से भी हमें क्लोजिंग नीचे देकर मार्केट वापस जा रही है। और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम अपनी डिमांड एंड सप्लाई जोन को क्रिएट करते हैं, और जो कि हमारी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करते हैं और हमारे कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, कि और हमें बता भी रहे होते हैं कि किस जगह पर हमने ट्रेड को लेना है और कौन से प्लेस पर हमने अपने ट्रेड को क्लोज़ करना है। फिलहाल इनको रिमूव करते हैं और देखते हैं अपने जोन को। जोन है आपने सबसे पहले क्रिएट करने के लिए, सबसे पहले आपने मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं, जो मार्केट के मेजर पॉइंट्स होंगे, मार्केट किन किन पॉइंट्स मार्केट वापस जा रही है। ये भी नहीं करना कि आप अपने जोन को बड़ा बना लें मार्केट को कवर करने के लिए, ऐसा भी नहीं करना। जस्ट एक इसकी लिमिट होती है जोन्स की भी, उन्हीं लिमिट के अंदर ही रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये एक हमें परफेक्ट एक हमें जोन नज़र आ रहा है मार्केट में, ये वाला। इसको हम फिलहाल ऊपर करते हैं थोड़ा सा इस जगह तक। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है मार्केट इस पॉइंट पर, इससे मार्केट नीचे आई है और इधर से मार्केट ऊपर जा रही है, और इधर से हमारा मार्केट में इस जगह से हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसमें नज़र आ रही है। क्योंकि मार्केट का जो करंट रेट है इस जगह पर हमें कुछ खास पता नहीं चलेगा, और ये वाले एरिए में और इसी एरिए में हमें इसमें एक ट्रेड मिली होगी, क्योंकि प्रीवियस में हमारे पास नेक्स्ट का रिज़ल्ट नहीं होता, तो इधर से हम ट्रेड नहीं ले सकते। जैसे मार्केट इस जगह पर आएगी तो तभी हमें इस जोन का कुछ पता चलेगा कि हमें मार्केट में जोन नज़र आ रहा है, और इधर से हमें एक्यूरेसी मिलेगी और इधर से हम ट्रेड लेंगे। जब इस जगह पर मार्केट आ जाएगी तो हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जोन स्ट्रॉन्ग हो रहा है हमारा। और जैसे मार्केट ऊपर गई है, अब इधर से देखें हमारी अगेन एक्यूरेसी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन मार्केट वापस जोन के अंदर आ रही है। जोन के अंदर आकर हमें मार्केट ने जो क्लोजिंग है वो नीचे दे दी, और अब क्लोजिंग जैसे नीचे होगी इसके अंदर हम नेक्स्ट अपनी अपॉर्चुनिटी सेल में तलाश करेंगे। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट जाने के लिए सबसे पहले हम दोबारा से अपनी जोन को सपोर्ट को लगाते हैं। अगर सपोर्ट लगाएं तो हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस जगह पर नज़र आ रही है। इस एरिया को अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम इस एरिया को डिस्कस करते हैं, क्योंकि मार्केट इसी जगह से वापस आ रही है और इधर से जा रही है। अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले सपोर्ट को देखें, सपोर्ट हमें इस जगह से मिली और इस जगह से हमें इस जगह तक एक एरिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ट्रेड नज़र आ रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो इधर से हमें अगेन ट्रेड नज़र आ रही है इस पॉइंट तक। इस जगह तक हम इजीली अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इजीली अपनी प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट एरिया की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो आपने जो आपके स्ट्रेटजी है जो भी है 100 पिप्स 150 पिप्स वही आप रखें, उसी के थ्रू ही आप अपना काम करें। और इसके बाद अगर हम इसमें जोन को क्रिएट करें, जोन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक इस जगह तक हमें एक मार्केट में जोन नज़र आया है, और इधर से जैसे मार्केट ये वाला एरिया तो हमें ट्रेड करने के लिए अभी इसमें हमें ट्रेड ये हमारे प्रीवियस जोन से पता चलेगा, क्योंकि हमें इस जोन में हमें इस नेक्स्ट एरिया का पता नहीं होगा, इसलिए इसमें हमने अभी ट्रेड का नहीं सोचना। यहीं से हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिली है, और इधर से मार्केट ऊपर गई और इधर से हमें दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिली है। क्योंकि
बुलिश हमारा पैटर्न है, बुलिश में हम बाय की ट्रेड को ज़्यादा तलाश करेंगे, सेल की कम ट्रेड्स हमें मिलेंगी, और इसीलिए हम इसमें ज़्यादातर आप बाय की तलाश करें। अगर बैरिश ट्रेंड है तो बैरिश की ट्रेड तलाश करें, अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश की ट्रेड आप सर्च करें इसमें। और इधर से हमें अगेन इसमें ट्रेड मिली इस जगह तक, हम इजीली अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि आपके 150 पिप्स इजीली आप इसमें यूज़ करें। और उसके बाद अब इस एरिया को देखते हैं, ये वाला जो एरिया है इसमें हमने ट्रेड किस तरह से तलाश करनी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वाला हमें एक एरिया मिल रहा है मार्केट में, जो कि सबसे पहले अगर हम देखें तो इधर से हमें बैरिश ट्रेंड मिल रहा है, एज अ सप्लाई जोन काम कर रहा है। उसके बाद इधर से आकर मार्केट एज अ डिमांड जोन क्रिएट हो रही है। सबसे पहले तो हमें एक इस जगह से यहाँ पर तक ट्रेड मिली, क्योंकि हमें प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग हमें सपोर्ट मिल गई, जैसे ब्रेकआउट दिया मार्केट में, हमें इजीलिए इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे हमने इधर से ट्रेड लगाई और इधर तक हमें ये वाला एरिया अब हमारा कवर हो रहा है, इस हमारे जो प्रीवियस डिमांड जोन है उसमें हमारा ये एरिया कवर किया है इस जगह तक। और इसके बाद जैसे हमारा नेक्स्ट जोन का काम शुरू हो जाता है, इस तरह से ये काम कर रहा होता है, ये हमारे डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब आपको खुद अंदाज़ा कर लें कि हमें कितनी इससे हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि किस जगह से हमें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और किस जगह पर अपनी ट्रेड को क्लोज करना है। और इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमें एक जोन मिल रहा है इस जगह तक, देखें। अब हम इसको खींच के इतना बड़ा नहीं कर सकते, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे एसएल के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए आपने जस्ट अपने एक लिमिट तक अपने जोन को क्रिएट करना है, इससे बड़ा आपने जोन को क्रिएट नहीं करना। अब देखें इधर से हमें ये ट्रेड मिल रही है इजीली, और इधर से हम इजीली अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको अगर हम बढ़ाएं तो इधर से हमें अपना टारगेट भी नज़र आ जाएगा। अगर हम इसका टारगेट और देखें तो हमें जो इसका मेन टारगेट है वो हमें ये वाला नज़र आ रहा है, इस जगह तक आसानी से मार्केट आ जाएगी। अगर हम इसके प्रीवियस रिजल्ट को देखें तो इधर भी हमें जोन नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम इस जगह पर अपनी एक रेजिस्टेंस को लगाएं तो हमें कोई समझ नहीं आएगी, आप कन्फ्यूजन का शिकार होंगे अगर इस ऐसे ट्रेड करेंगे तो। फिलहाल इसको अगर आप रिमूव करें तो इधर आप एक जोन को क्रिएट कर लें तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा। अगर देखें मार्केट इस जोन को हिट कर रही है, मार्केट नीचे आई है, इधर से अगेन हिट किया, इसके बाद जैसे मार्केट आपने जोन जैसे ही आपके दो बनेंगे तो आपका जोन क्रिएट हो जाएगा। और इधर से जैसे ही आप जोन आपके अच्छे खासे आप पिप अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक आप रख सकते हैं, जो नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा जो स्ट्रेटजी हम यूज़ कर रहे हैं अपनी ब्रेक एंड हमारी जो है रिटेस्ट स्ट्रेटजी उसको देखेंगे तो उसमें आपको आपका टेक प्रॉफिट और एसएल का भी पता चल जाएगा। और इधर से देखें तो मार्केट इसको दोबारा हिट कर रही है और मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीचे सेल में आ चुकी है। इस तरह से आपने इनको ड्रा करना है, उम्मीद करता हूँ आपको इनकी ड्रा करने का मेथड को पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने ड्रा करना है। बेसिकली ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है, उन्हीं की एक्यूरेसी को हम बढ़ाने के लिए अपने जोन्स को क्रिएट कर रहे हैं। आपने ये ट्राई करना है, सीखना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अपने ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रेटजी में सीखेंगे कि किस तरह से हमने अपने इसमें प्रॉफिट बुक करना है और किस तरह से हमने इसमें अपना एसएल को प्लेस करना है। बहुत ही आसान की स्ट्रेटजी है, प्राइस एक्शन की ये स्ट्रेटजी है, जो कि आप अगर आप ग्राफ खोल लें उस पर ड्रा करें तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको सीख जाएंगे। और कोई भी आपको इसमें इशू फेस हो तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, जो हमारे कमेंट्स बॉक्स हैं उसमें भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।